स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है, अगर इन मदरसा में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों की बातों पर हंसी नहीं आई तो चैनल से कर देंगे वीडियो डिलीट। ये बात भी सही है, और वो पाकिस्तान के लोग होंगे 110%, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जो मदरसे में पढ़ते हैं अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है, ये बात अच्छी है। लेकिन भाई पाकिस्तान के मदरसों में तो क्या सिखाया जाता है वो तो आपको इस वीडियो से ही पता चलेगा। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया, ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियर देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, स्मार्टफोन यूज़ करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं उसके तर्जुमे के, जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे। मैंने कहा है साहब 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। ये नहीं घूम रहे, सवाल क्यों कर लिए? क्या मायने? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। देखिए, बहराइच मामले को लेकर जब से खबरें सियासत गरमाई है, जब से खबरें उजागर हुई हैं, तभी से समाजवादी पार्टी एक रट लगाई हुई है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरे साथ कुछ मदरसे के बच्चे हैं, और क्योंकि मदरसे को लेकर भी आए दिन सवाल खड़े होते कि मदरसे में आखिर क्या कुछ होता है, मदरसे को इवन बंद करने तक की डिमांड भारत में की जाती है, तो मदरसे के जो ये बच्चे हैं, मैं जो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि कैमरा इनके तरफ कीजिए कि मदरसे में क्या कुछ आप पढ़ते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील? वकील जी। अब सब मदरसे में अब हाँ, आप इनके इनके साथ आ जाइए, सब मदरसे में पढ़ते हैं? हाँ जी, सब मदरसे। कौन से मदरसे में? मदरसा अब्दुल रब, कश्मीरी गेट के पास है मदरसा अब्दुल रब। कश्मीरी गेट के पास में। वैसे आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम नू जिले से हैं, मेवात, हरियाणा जी। मेवात में तो बड़ा कांड हुआ था, याद है? हाँ, सब याद है हमें। आप भी शामिल थे क्या उसमें? नहीं नहीं, हम तो जब मदरसे में ही थे पहले, उससे पहले हम यूपी में पढ़ते थे, तो हम सब इधर उधर जाम हो गया था, तो इस वजह से हम आ नहीं पाए, तो हम अंदर से ही थे। को लेकर जो खबरें चलती हैं स्पेशली यूपी की, अगर हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कभी कभी बोलते हैं कि मदरसों को जांच होनी चाहिए, और काफ़ी सारे मदरसे जो हैं उन्होंने टारगेट किए और बंद भी करवाए, क्या लगता है? देख, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये तो ये किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते हैं। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को, जब इन पे इनका हक बनता है उसको बंद करने का या इसमें अंदर ऐसे एंट्री मारने का, जब ये चलाते ही नहीं, तो हम अपने दीन के मुतालिक उसको जैसे चलाते हैं, हमारे और बड़े उस्ताद है, मौलाना हैं जो उसको चलाते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी मदरसे में गलत काम हो रहा है, जैसे प्रयागराज का जो मदरसा था उसमें, प्रयागराज में एक मदरसा था जिसको लेकर सियासत हुई थी, वहाँ जाली नोट बनाए जा रहे थे, नकली नोट बनाए जा रहे थे, तो आप वहाँ जाकर पता कीजिए ना, उसके बारे में हमें थोड़ी मालूम है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, जो हमारे सामने हम जिसको कर रहे हैं उससे आप वहाँ के पूछ सकते हो, जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है तो हम उसके बारे में कह सकते हैं, हम वहाँ जानते नहीं पहचानते, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? अपने मदरसे के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही हैं, कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब एक बात मैं आपको बताऊं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है, और अरेबिक भी लैंग्वेज है, ये तो भाषाओं को ज्ञान दिया जा रहा है मदरसे में, कोई टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है? बड़ी टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना, उसमें पूरी बातें सब चीज़ें उसके अंदर हैं, तो हमारे लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं ना, वो सब कुरान के अंदर हैं, जो जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें
छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने के तरीका और क्या नाम है नहाने पीने का, खाने पीने का हर चीज़ और सलीका सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हैं। सारी चीज़ें कुरान में, कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब जो ये कह रहे हैं? कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सब के बारे में बताया गया है। यस, अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं एक, जैसे मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं? मास कम्युनिकेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं कुरान में? हाँ, सब कुछ। एक हवाई जहाज चलाता है, एक पायलट होता है, वो पायलट बन सकता है कुरान पढ़ के? सुनो सुनो, को देखकर पढ़ना होगा। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुए चला जाएगा। जहन कैसे खुलेगा? नहीं, आप घबराएंगे नहीं प्लीज, जहन कैसे खुलेगा? कैसे जहन खुलेगा जो बोल रहे थे? अब हमें भी तो मालूम चलना चाहिए। जहन, जहन खुलने का मतलब यह है कि यानी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते और मानेंगे भी और मानते रहेंगे, तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता। कोई भी चीज़ हमें दोगे आप पढ़ने के लिए, इसको 10 मिनट में याद करो, हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे, ऐसे जहन खुलने की बात कर रहे हैं ये। तो आपके हिसाब से जो ये यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इन सब में अगर कुरान पढ़ाई जाए तो ये सब इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाएंगे? नहीं, इंजीनियर डॉक्टर, सच बताना, देखो क्या सच बताना, कुरान से कोई डॉक्टर बन सकता है? कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है? कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है? कोई पत्रकार बन सकता है? अलग लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना, वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक है, वो आखिरत। कुछ हासिल नहीं करना क्या? आपको कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको? आपको कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? नहीं, ये कब कहा भाषा सीखनी हमें? आप ये बताए हमने कब कहा है? आपको बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है, दुनिया का रहनुमा बनना है। कभी ख्वाहिश नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना, 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। तो ये भैया, पहले भी मुलाकात हुई है इनसे, बड़ा अच्छा ये बोलते हैं। अच्छा, ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं? हाँ, ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, और जैसे मैं इनसे बात कर रहा था, ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम पत्रकार भी बन सकते हैं। बेशक इनका सही कहना, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। कुरान पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मौलाना बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। अच्छा, जितने भी खड़े हैं इन पे सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना इसके अलावा? नहीं है, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की ये बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते किसी के, कोई मत बनो, ये दुनियावी ज़िंदगी के मुतालिक जो हम मानते हैं ना, ये दुनिया में ही फ़ायदा देंगी और जो लोग करते हैं उनके लिए फ़ायदा देती हैं ये, जब तक दुनिया में हम जी। इंजीनियर भी तो आप ही लोगों में से, हम लोगों में से होकर बनेगा? अगर सब लोग सिर्फ मदरसे में पढ़ाई करने लग गए तो मदरसा तो फिर एक तरीके से मैं बोलूँगा कि मदरसे में, ये नहीं है, ये गलत बात है, मदरसे में उस बाहर निकलना पड़ेगा ना, अगर डॉक्टर बनाए तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा, इंजीनियर बनाए तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है, ये दुनियावी पढ़ाई है, इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी, और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफी हमारे लिए। डॉक्टर बनना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना भाई ये तो दुनिया भी पढ़ाई है ना। अभी मेवात से कैसे आए हो? किसी गाड़ी से, बस से, किसी तरीके से आए हो? वो भी टेक्नोलॉजी है। अब इनकी सोच है, अगर ये मतलब मुलाना बनना, अच्छी बात है, इनकी सोच है, अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर हर कोई यही सोच अपनाए कि हमें मदरसा जाना है, तालीम हासिल करनी है आखिरत के लिए, तो इस दुनिया को डॉक्टर कौन देगा? इस दुनिया को इंजीनियर कौन देगा? इस दुनिया को अच्छे लोग कौन देगा? नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी अभी SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इनमें से हूँ, मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो मुलाना नहीं बन रहा। आप क्यों नहीं, आपने मदरसा क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने कहा क्यों नहीं गए मदरसा, आपने किसने कहा कि मैंने ज्वाइन नहीं करा? मैंने दीनी तालीम हासिल करी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ,
दुनिया जीने के लिए कुछ बनने के लिए मदरसा छोड़ना पड़ा आपको भी? नहीं, मैंने दीनी तालीम एसएससी की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हो? एसएससी की तालीम अभी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, प्लस कॉलेज जा रहा हूँ। ये चीज़ मदरसे में क्यों नहीं मिल सकती? कहाँ से मदरसे में मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? हमारे इस्लाम ही दे रहा है, और कौन दे रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से। हाँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं अपने। फिर वही बोल रहे हैं हर चीज़ का इंतजाम है। फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनका इंतजाम कहाँ है मदरसे में? मैथ मैंने पढ़ी है, मैंने 10th क्लास पढ़ी है, 12th मेरा एडमिशन है अब 29 तारीख से। ठीक है, आप ये कह रहे थे ना हिंदी लाइन से नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी लाइन से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे सब्जेक्ट जो बताए थे उनमें से किसी ने नहीं बोला कि मैथ और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मेरा एसओएल का है जो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और भाई का कहना है कि अगर सब लोग मौलाना बनेंगे तो कैसे होगा? कुछ इनमें से हम भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। ऐसा समझ नहीं आती, आखिरियत को लेकर बड़ा कंसर्न होता है स्पेशली मुसलमानों में, वो मदरसे में बताया जाता है? आप पहले ये बताओ आप मरने के बाद क्या सोचते हो, आपके धर्म में क्या कहते हैं? मरने का तो बाद में सोचोगे, पहले जीने का सोच ले। पहले जीने के लिए चाहिए पहले कुछ, हम जीने के लिए अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। मेरे हिसाब से तो ये जिंदगी है। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा, तो ये तो एक सेकंड की जिंदगी है। अगर हमारी आप किताब पढ़ोगे, हमारे जो मजहब में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे आप, तो आपके बिल्कुल सच साबित होगा, गलत साबित बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? पढ़ के देख लो, उजमा लो कभी भी। पक्की बात है? पक्की बात है। एक सवाल खड़ा होता है, रुकिए, ये मौलाना बने कुछ भी बने, इस पे आप टिम्पनी करने वाले होते कौन है आपको? मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ दे, मैंने बोला आपको नहीं, तो आप इनकी जो मर्जी है, ये चाहे मौलाना बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये इनकी मर्जी है, ये इनकी थिंकिंग है, जो भी बनना चाहते हैं। ये कहना है कि हम अपने आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं इनको रोकने वाले? बेशक आखिरत की तैयारी करें, लेकिन ये जिंदगी कहते हैं बहुत लंबी होती है, उसको जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए, साइंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आने जाने के लिए कार चाहिए। अच्छा, स्मार्टफोन यूज़ करते हो कोई? सर सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया, टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? जो इनको चीजें चाहिए इनके पास है, इनके पास सहूलियत है उतनी, और इनकी इनकम इतनी है कि जो इनको चाहिए वो इनको मिल जाता है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? आपने बोला था कि कुरान में हर चीज स्पष्ट लिखी हुई है, कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? क्या पूछने चाह रहे हो? हमारी पृथ्वी कैसी है, क्या करती है, किसका चक्कर लगाती है, क्यों है पृथ्वी? कुछ बताया जाता है कुरान में? अभी कुरान धरती के बारे में क्या क्या बताया? अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं उसके तर्जुमे के, जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे। नए कहाँ है साहब, 12वीं कर रहे हैं मदरसे से, आप कह रहे हैं नए हैं। और ये पृथ्वी का मामला अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो 3री कक्षा में 3rd क्लास में बताया जाता है कि हमारा सौरमंडल क्या है, कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, क्या कुछ पढ़ा, और अब 12वीं में पहुंच गए कुछ नहीं बताया आपको भी नहीं। चलो भाई, जो कुरान है उसमें सब नहीं, अभी रुक जाइए, आपका समर्थन करने के लिए मौजूद है, आप डरिए मत। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन। आप लोग कह रहे हैं ना 3री में सिखा दिया जाता है सब कुछ, हमारे लिए सब चीज़ सिखाई जाती है। कुरान कुरान का तर्जुमा आ जाओ, उसको पूरा करेंगे, उसमें पूरा हुआ आ जाएगा। अभी हमारे 1-2 पारे हुए हैं, जब 30 पारे रहते हैं कुरान, उनको पूरे को पढ़ेंगे तो सब चीज़ सिखा दी जाएगी उनके लिए। कब से पढ़ रहे हो कुरान, कब से पढ़ रहे हो? तर्जुमा तो हम अभी शुरू करा इस साल, और जो इस साल शुरू करा, इस साल से पहले क्या कर रहे थे? मुझे सब समझ में आता है, उर्दू बाकायदा से समझ में आती है। मुझे ये बताइए, कुरान अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे मदरसा में? कुरान हिफ्ज याद किया, कुरान को पहले हिफ्ज किया था, उसको अपने सीने में महफूज किया है, उसको अब इसके कुरान क्या कह रहा है इसका तर्जुमा अब शुरू कर रहे हैं। जो मौलवी जो पढ़ाई रहती है इसमें कुरान के बारे में बताया जाता है, इसमें क्या सीखना है, तर्जुमा है, दुनियावी बारे में, आखरत के बारे में हर चीज़ बताई जाती है। अब शुरू कर रहे हैं हम, अब से पहले हिफ्ज़ की थी हमने। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आखिरत के बारे में तक मैं आप लोगों को बता दिया कि मरने के बाद क्या होगा, अभी जहाँ आप मौजूद हो जिस प्लानट पर आप खड़े हो, अर्थ के बारे में कुछ किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी मौलवी ने, किसी मौलाना ने कुछ बताया? क्या बताया? सर आप ही बताइए, तो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये
मुझे नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बता पा रहे? क्या पूछना चाहते हैं आप? पृथ्वी के बारे में मदरसे में इवन कुरान में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ बताया जाता है? आपने कुरान पढ़ी नहीं है, आपने रीड नहीं करी है उसको अच्छी तरीके से, अगर करते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। कुरान में ये कहा गया है कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ रहे हो, फजर के नमाज के बाद आप अपने मतलब जो आप मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कमाने के लिए निकल जाओ, और नमाज पढ़ने के बाद ये कहा गया है कि नमाज के बाद मतलब इंतज़ार में मत रहो, आप कमाओ और खाओ अल्लाह की ज़िंदगी, अल्लाह के राह पे चल के, और हलाल रोजी करो, हराम नहीं कमाओ, ये कहा गया है कुरान में। अच्छा, डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, धरती हमारी साकिन है या घूम रही है? धरती घूमती रहती है, 24 घंटा घूमती रहती है, धरती घूमती रहती है। लेकिन कुछ मौलाना ये कहते हैं धरती साकिन है, स्थिर है। कुछ मौलाना कहते हैं, हो सकते हैं पेड़ मौलाना हो, अब उन पे ये क्या टिप्पणी करें। वैसे कुछ पंडित जी कुछ पंडित आपके हिसाब से घूम रही है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके हिसाब से घूम रही, मैं प्रूफ छोड़िए, मैं तो आपसे जानना चाहूँ आपके हिसाब से घूम रही है नहीं घूम रही? सवाल क्यों कर लिए? कुछ बोला इन्होंने अरेबिक में? कुछ बोला, प्लीज रिपीट करिए। وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم بات ختم کرتے ہیں اپنی یہاں۔ اچھا، ہم اپنی بات ختم کرتے جا رہے ہیں اللہ کے لیے، کیوں بات کیوں ختم کرنے، ابھی اور نہیں بات کر سکتے ہم لوگ؟ نہیں نہیں، آپ کے ادھر اچھا، ہمیں تو دیکھو پیسہ ملتا ہے اس کام کرنے کا، لیکن آپ نے بولا کہ دھرتی گھوم رہی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور دھرتی ہے کیسی، شیپ کیسی دھرتی؟ گول گول ہے دھرتی، گول ہے ये बताया जाता है, आप अमन मन से बोल रहे हैं? बताया जाता है, तभी तो बता रहे हैं धरती पूरी गोल है, और जो चांद है वो धरती से, सूरज है वो धरती से बड़ा, जैसे बॉल ग्राउंड में रख देते हैं ना धरती ऐसे दिखती है, और आसमान धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ, ये बात किसी ने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। की बात है कि चांद धरती से बड़ा है, बिल्कुल नॉलेज नहीं उस पे, आप घेरे हैं माता बिन को। नहीं देखो, ये प्राउडली बोल रहे हैं कि कुरान में पढ़ा है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद है? क्या चांद? क्या चांद एक ऐसे ही है, उसके बारे में ये बता दें, क्या चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं, अगर धूप ही धूप रहे तो आधी कुछ चीजें ऐसी। तो थर्ड क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं, प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं, आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, मैंने किताब में पढ़ा है। सर कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है किताब का? नाम बताइए। साइंस विज्ञान, विज्ञान ये बताता है, और ये हर कोई जानता है कि धूप से जो है, पेड़ पौधे धूप से नहीं बढ़ते, बनते हैं हर चीज। अगर कहना में धूप ही धूप रहे पूरी जिंदगी में, अगर क्या मैं कब मना कर रहा हूँ, चांद नहीं है, चांद है, चांद धरती का उपग्रह है। वो चांद से ही तो आती है, वो धूप खिलते जब ही तो गर्मी लगती है, गर्मी चांद से आती है, सूरज से। वो मान लेना इल्लल बलाग, ओए आ जाओ तुम, बहुत देर हो गई। गर्मी चांद से आती है, ये तो नया लॉजिक दे रहे हो आप। सूरज से आती है गर्मी, सूरज से। अगर सूरज चांद से क्या आता है, इंसान जिंदा रह पाएगा? आप ये बताइए, चाहे कितनी ऐसी लगा लो, कितनी ऑक्सीजन ले लो आप, अगर सूरज ही सूरज है इंसान। चांद निकला होगा आसमान में, ये चांद चमकता कैसे है, खुद का चमकता कैसे है? आप तो SSC की तैयारी कर रहे हैं, चांद चमकता कैसे है? अच्छा, चांद बड़ा है धरती से आपने ये तो बता दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं चांद बहुत छोटा है धरती के मुकाबले, वो एक उपग्रह है। अच्छा, आप बताएंगे चांद चमकता क्यों है? चांद चमकता क्यों? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने, चांद चमकता है। जवाब तो सुन लीजिए, चांद चमक, आप तो नहीं जवाब दे पाए चांद चमकता क्यों है, ये बताएंगे, ये SSC की तैयारी कर जी जी। बहुत बहुत हम उस पर चेक कर लेंगे, चैनल बता दीजिए, TNN वर्ल्ड ये चैनल है, दीपक शर्मा मेरा नाम है, और आपको अगर नहीं पता तो मेरा जवाब सुन लेना, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि चांद चमकता कैसे है? मुझे नहीं पता, आप बताएंगे सब। रिफ्लेक्शन नाम का कोई वर्ड सुना है? आप ही बताएं, हमें नहीं पता है? नहीं पता, ये रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। आपने कहाँ पढ़ा? बिल्कुल सही। अब आप ये पूछेंगे कहाँ से पढ़ा, आप तो साइंस पे भी सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन आपके कुरान में जो लिखा वही सत्य है ना? कुछ नहीं लगा रहे भाई आप, क्यों? थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों काफी मजेदार था, हाँ। बहुत कुछ समझने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन देखो एजुकेशन कोई भी हो, ये मदरसा एजुकेशन हो या जो हम ले रहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन एजुकेशन होता है, मैं ये मानता हूँ, ये मेरी सोच।
दूसरी मेरी सोच ये है कि भाई जो पत्रकार थे, जो एंकर थे, जो उसका क्वेश्चन ये था कि भाई दुनिया अभी हम जो जी रहे, जीवन जीने के लिए हमें जो रोजिंदी जरूरियात की जो कमी होती है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए हमें एक डिग्री, मतलब बोलते हैं ना कोई डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, एडवोकेट बनना पड़ेगा, ऐसा मतलब कोई भी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था मेरे को लगा, जो स्टूडेंट थे उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मदरसे वाला एजुकेशन को लोग गलत वे में ले रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मदरसे एजुकेशन भी देखो लेना जरूरी है, आपकी दैनिक तालीम जो होती है, जैसे कि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गीता में लिखा है तो हमारा जीवन उसके ऊपर आधारित, हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें एजुकेशन, क्योंकि आने वाला जो टाइम है उस टाइम के साथ हमें भी चलना पड़ेगा। क्योंकि जो कुदरत ऊपर वाला जो देता है ना, वहाँ पे मनुष्य का कुछ नहीं चलता। तो यहाँ पे एक दूसरी बात थी, वो बहुत हाईलाइट हुई कि भाई मरने के बाद क्या। अरे भाई आप अभी इस जन्म में इंसान हो, इसके पहले के जन्म में क्या थे, देखो किसी ने कुछ नहीं देखा। जो पौराणिक बातें लिखी है कि भाई जैसे कि मुस्लिम समाज में बोलते हैं जन्नत मिलेगी, हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई स्वर्ग मिलेगा हिंदू धर्म में, ठीक है, तो किसने देखा भाई, कोई आया है वहां एक, कि मेरे हिसाब से एक अज्यूम है, लोगों ने अज्यूम किया होगा, हो सकता है कि बात भी सही हो, कई पुराणों में लिखी भी होगी, लेकिन किसने देखा, उसका एक्सपीरियंस किसने लिया, ये भी एक बात होनी जरूरी है ना। कि भाई आप चाहते हो कि आप मतलब मरने के बाद आपको ऊपर जाना है तो वहां पे ये चीजें आपको मिलनी चाहिए, तो ऐसी कोई किताब नहीं कि जहाँ की उसकी ऐसी कोई अनुक्रमिका हो कि जहाँ पे लिखा होगा, अभी इतना सारा एक चीज लिखी है वो ये है कि आपको इंसान का धर्म मतलब इंसान बनाया है तो अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, बिल्कुल। और मदरसा एजुकेशन भी ऐसा नहीं है बुरा, सही है। और दूसरी बात है कि हाँ एक चीज होनी जाएगी भाई, और भी सब्जेक्ट उसमें डाल दिया जाए, लेकिन देखो ये जो पूरे गवर्नमेंट नहीं, कई सारे मदरसे जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग करते, कई सारे मदरसे हैं जो बोलते हैं ना समाज ने बनाया है, या तो उसमें इन्वेस्टमेंट आती है, या तो कोई दान धर्म करता है उससे मदरसा भी चलते हैं, तो देखो वो गलत नहीं है, वो भी उस हिसाब से सही है, लेकिन एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स साइंस, क्योंकि आजकल हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, हमें डेली मोबाइल चाहिए ही चाहिए, कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन की एक आदत हो गई। बिल्कुल एक बात सही है कि आप यदि पूरे बोलते हैं ना कि पूरा गीता ज्ञान लेके उस रास्ते पे चलो, या तो पूरा जो कुरान है उसका पूरा ज्ञान लेके उस रास्ते पे चलो, वो चीज अलग है, लेकिन वो भी कई सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो मौलाना होंगे, हाईली एजुकेटेड होंगे, ऐसा नहीं है, वो भी हाईली एजुकेटेड होते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो ऐसे ही मौलाना बन गए, तो ऐसे ही साधु महाराज बन गए, ठीक है, उसको कोई लेना देना, उसको बस ये जो सांसारिक जीवन होता है उससे उसको दूरी रहनी होती है, तो वो फिर ये रास्ता अपना, तो वो भी रास्ता सही है भाई, आपके माइंड को शांति मिल रही तो अच्छी बात है, लेकिन बुरा काम मत कीजिए। अब जो भी एजुकेशन लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन लो, एजुकेट हो, लेकिन एक अच्छे रास्ते पे चलो, बस वही मेन चीज होती है एजुकेशन की, कोई भी एजुकेशन। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से और वीडियो के बारे में, आप कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।